हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं कलेक्शन ऑफ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का भी कुछ पार्ट है इसमें, यहाँ पे कुछ टॉयज हैं। तो आज हम दोनों के रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, जिससे कि मैं जब भी कोई नया हमारे टॉयज़ के वीडियो लेके आऊँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखने वाले व्यूवर्स बन पाए। चलिए बिना किसी देर के जल्दी से हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे पास कैप्टन अमेरिका के कौन कौन से टॉयज है। यहाँ पर हमारे पास कैप्टन अमेरिका की फाइटिंग गन है, यहाँ पर हमारे पास डिफॉर्म कार है, डांसिंग रोबोट है, उसके बाद हमारे पास कैप्टन अमेरिका का मास्क है, वहाँ पर कैप्टन अमेरिका की काफ़ी लंबी राइफल है, ये कैप्टन अमेरिका खुद है, कैप्टन अमेरिका का यहाँ पर लट्टू दे रखा है, उसके बाद ये हमारी ब्लास्टर कैप्टन अमेरिका की गन दे रखी है, उसके बाद क्रॉलिंग वाला हमारे कैप्टन अमेरिका, और लास्ट नॉट द लिस्ट हमारे पास आयरन मैन का यहाँ पे भी एक लट्टू दे रखा है। तो आज हम इन सब के रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिए, आई होप आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले पिक करता है हमारी कैप्टन अमेरिका की फाइटिंग गन को, देखिए काफ़ी स्मॉल है, छोटी सी है लेकिन कमाल की है। इसके अंदर दो बैटरीज लगती है, उसके बाद देखिए इसका लुक देखिए, चलती है, साउंड देखिए, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया जब ये पीछे जाती है तो आगे आती है। देखिए अब मुझे नहीं पता किस तरीके से इन्होंने बनाया, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर भी दिखेगा, या अगर आपको दिख रहा होगा लाइट, अभी लाइट काफ़ी ज़्यादा है तो आप इतनी आपको विजिबिलिटी इतनी नहीं होगी, लेकिन प्रोजेक्टर भी यहाँ पे है। उसके बाद देखिए साउंड सुनिए इसका, वो काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी छोटी है, मजबूत तो काफ़ी ज़्यादा है, रफ एंड टफ है। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का खुद का मो स्टिकर भी बना हुआ है स्मॉल सा। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। यहाँ पे सुपर मैन भी दे रखा है, वाह, चलिए इसको रख देते हैं साइड में। अब आता है हमारे अगले टॉयज के ऊपर, जो कि हमारी एक और गन यहाँ पे दे रखी है कैप्टन अमेरिका की, काफ़ी बिग गन है, काफ़ी लॉन्ग गन है, देखिए इसको, इसकी बिल्ड क्वालिटी तो लाजवाब है, काफ़ी लंबी है इसकी आगे की नाल, और देखिए इसको चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप इसको लोड कर सकते हैं, उस पर यहाँ से ये बुलेट्स दे रखी, देखिए बुलेट्स को आपको क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे फिट करना है, यहाँ से ही अंदर होगी। अब हम यहाँ से कर देते हैं इसको फायर, ये देखिए, वाओ, काफ़ी फास्ट और काफ़ी तेज़ है यार। तो इस तरह की बुलेट्स आप इसके अंदर डाल के चला सकते हो। मैंने इसको काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में, इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा था। अगर आपको इसको ऑनलाइन लेना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कमाल की, और रफ एंड टफ है। तो चलिए इसको भी रख देता हूँ मैं साइड में। अब आते हैं हमारे अगले टॉयज के ऊपर, जो कि एक कैप्टन अमेरिका का ही मास्क, देखिए वाओ, काफ़ी अच्छा दे रखा है। ब्लू जो है इसका, ब्लू नेवी ब्लू जैसा इसका कलर दिख रहा है एकदम, ये डार्क ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, उस पर ए यहाँ पे बना हुआ है, ए कैप्टन अमेरिका का सिंबल दे रखा है। यहाँ पे तो आप रबर लगा सकते हैं, इसको आप पहन सकते हैं, पूरा प्लास्टिक का दे रखा है, मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा है। तो अगर आप कैप्टन अमेरिका के फ़ैन हैं तो इसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए और लाइक का बटन उसको दबा दीजिए। चलिए इस मास्क को भी रख देते हैं साइड में। अब आता है हमारे अगले टॉयज के ऊपर, जो कि हमारा लट्टू, देखिए आयरन मैन का लट्टू देख सकते हो आप इसको, काफ़ी अच्छा सिमिलर जो है हमारा कैप्टन अमेरिका का भी, दोनों की साइज वगैरह बिल्कुल सेम है, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ से आपको इसको चाबी भरना देती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चलता है। दोनों में नीचे यहाँ पे स्मॉल साइज की बैटरी लग जाती है यहाँ पे, देखिए, और यहाँ पे आप इसको जब घूमेगा तो यहाँ पे लाइट वगैरह भी जलती है अगर सेल होते हैं तो, देखिए ये इसका लुक आता है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ किस तरीके से चलेंगे ये, तो यहाँ से आप, मैंने इसको फिट करा, ये देखिए, उस पर यहाँ पर हटा के, ये देखिए, वाह, देखा आपने, सिमिलर जो है, आप इसको इस तरीके से इसको भी चला सकते हो आपके कैप्टन अमेरिका को, लेकिन आई थिंक कैप्टन अमेरिका की ये यहाँ से जो ऊपर का जो इसका लट्टू का जो फिट होने का वो टूट चुका है तो इसलिए चल नहीं रहा है, लेकिन दोनों सिमिलर हैं। तो अगर आपके दोनों पसंद आया तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दो और लाइक का बटन उसको भी दबा दो। अगर आप आयरन मैन के फ़ैन हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करिए। तो चलिए इन दोनों को भी रख देते हैं साइड में। अब आते हैं हमारे अगले टॉयज के ऊपर, क्योंकि अब हमारे पास बच्चे कौन कौन से हैं, एक तो कैप्टन अमेरिका खुद हैं, क्रॉलिंग वाले कैप्टन अमेरिका के हैं, डांसिंग रोबोट है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो पिक करते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका को, देखिए वाओ, काफ़ी हाइट में काफ़ी लंबा है ये कैप्टन अमेरिका। यहाँ पे देखिए इसमें भी लाइट जलती है, आई थिंक इसकी बैटरी लो हो चुकी होगी, और ये काफ़ी लंबा है कैप्टन अमेरिका का, देखिए हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसको आप इस तरीके से
हाँ भी कर सकते हैं, देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे। बिठाना हो आपको तो इसको इस तरीके से बिठा दो, लेटाना हो तो सुला दो, हाथ घुमाना है तो इस तरीके से घुमा दो, और गर्दन जो है वो आप 360 डिग्री भी रोटेट कर सकते हो। तो मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा है, चीपेस्ट प्राइस में अच्छा है, लेकिन अगर आप कैप्टन अमेरिका के फ़ैन हैं तो आप इसको डेफिनेटली लीजिए, काफ़ी अच्छा है। 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं हमारे अगले टॉयज़ के ऊपर, जो कि है हमारा कैप्टन अमेरिका क्रॉलिंग। देखिए ये भी हमारा कैप्टन अमेरिका है, ये इस तरीके से क्रॉल होता है यहाँ पे। यहाँ पे इसमें क्या होगा, 2 डबल साइज़ की बैटरीज लगती है, यहाँ पे निकालो, दोनों को फिट करो, उस पर यहाँ से ऑटोमेटिक क्रॉल करके चलते हैं, यहाँ से फायर की आवाज़ आती है और काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। यहाँ पे इसकी जो सील्ड है वो प्रॉपर तरीके से इसमें देखिए फिट भी हो जाती है और निकल भी जाती है, तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। ये कैप्टन अमेरिका की पुरानी वाली सील्ड है, तो इसको आप इस तरीके से लगा दो, नई वाली अभी उन्होंने बनाई नहीं या दी नहीं हमें, लेकिन ये हमारा पुराना कैप्टन अमेरिका है क्रॉलिंग करने वाला। तो अगर आप इस ये कैप्टन अमेरिका अगर ये वाला टॉयज आपके पास है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको उसको परचेस करना तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये चलता काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से चलता बैटरी लगा के, एकदम कमाल धमाल झमाल मचा देता है यार, वाह। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। बात है हमारे अगले टॉयज़ के ऊपर, जो कि हमारी है ब्लास्टर गन। वाह, कैप्टन अमेरिका ब्लास्टर गन है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बुलेट्स लगाने के हैं, यहाँ पे बुलेट्स एक्स्ट्रा बुलेट रख सकते हो, यहाँ पे बुलेट्स लग जाएगी, यहाँ से लोड हो जाएगा, यहाँ से फायर हो जाएगा, तो फायरिंग की भी आवाज़ जो है एकदम आपको बहुत कम आएगी, जैसा ऐसा जैसा आपने साइलेंस जो पिस्टल वगैरह चलती उस तरीके की आवाज़ आएगी। देखिए ये आई आपको आवाज़, मतलब साउंड लेस है ये पूरी के पूरी, लेकिन काफ़ी महंगी है, लेकिन कॉस्टली भी है, लेकिन अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन इसका जो लुक है वो लाजवाब है, मुझे लुक इसका काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे बुलेट्स दे रखी है, यहाँ पे स्टार्स बना रखे हैं, यहाँ पे ऊपर पता नहीं क्या क्या बना रखा है, लेकिन लुक इसका लाजवाब है, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अगर आपको ये ब्लास्टर गन पसंद है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं हमारे अगले टॉयज के ऊपर, जो कि है हमारा डांसिंग रोबोट। वाह, इसको भी मैंने ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा, काफ़ी छोटा है लेकिन डांस कमाल का करता है। यहाँ पे भी 4 AA की बैटरीज लगती है इसके अंदर, बिल्ड क्वालिटी इसकी लाजवाब है, साउंड होता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 लाइट यहाँ पे दे रखी है तीनों, और इसके पैर ऑटोमेटिक इस तरीके से चलते हैं। तो मैं आपको इसको डांस करके भी दिखाऊंगा, यहाँ से लाइट वगैरह भी जलती है, और पीछे आपको यहाँ पे 3 AA की बैटरीज लगाना होती है, और ये यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, यहाँ पे पीछे यहाँ पे एक स्पीकर भी दे रखा है जहाँ से आवाज़ वगैरह आती है, लेकिन लुक इसका लाजवाब है। और देखिए आपको इसको कितना छोटू सा दिख रहा है, पूरा मासूम हमारा कैप्टन अमेरिका जब छोटा था तो आई थिंक इसी तरीके का दिखता था, काफ़ी मासूम, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको इसको परचेस करना तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा इसकी, और काफ़ी अच्छे और चीपेस्ट प्राइस में मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट में भी परचेस कराया। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। अब आते हैं हमारे लास्ट नॉट द लीस्ट टॉय के ऊपर, जो कि है हमारी डिफॉर्म्ड कार। वाह, लुक देखिए इसका है, रेड और ब्लू कलर का लुक है इसका, पूरा कैप्टन अमेरिका वाला लुक है। पीछे LED लाइट दे रखी, यहाँ पे भी लाइट वगैरह जलती है, और इसका जो लुक है टायर देखिए, इसके अंदर व्हील जो है पूरी के पूरी सिल्वर कलर की, ब्लैक कलर के टायर है, यहाँ पे रोटेटिंग व्हील्स दे रखे हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच, और यहाँ पे 3 AA की बैटरीज जो है वो लगती है, और मैं आपको लगा के चला के बताऊँगा। यहाँ पे स्पीकर दे रखा है साउंड के लिए, और ये देखिए इस तरीके से चलता है रोबोट, और इस तरीके से बोलने के बाद ये जो है यहाँ से सीधा अपना रोबोट का चेहरा ले लेता है। देखिए यहाँ पे ये है इस तरीके से रोबोट, ये देखिए मैंने बना दिया आपको इसको रोबोट, ये देख सकते हो आप इसको इस तरीके से बनता है, और ऑटोमेटिक फिर ये अंदर आ जाता है। यहाँ पे बुलेट्स वगैरह भी दे रखी है, और इसका साउंड जो है वो काफ़ी कमाल का है। तो चलिए मैं इसको भी आपको नीचे चला के बताता हूँ, तो लेट्स गो। स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से काफ़ी तेज चल रही है, देखिए वाह, अपने आपको इसने डिफॉर्म भी कर दिया है, और देखिए रोबोट में फाइनली कन्वर्ट हो चुका है, वाह, गोल गोल रोटेट हो रहा है, ओ हो, उधर मत जाओ, इधर चलो,
तो अगर आपके पास ये डिफॉर्म वाला रोबोट है कैप्टन अमेरिका वाला, देखिए नीचे रोटेटिंग व्हील भी घूम रहे, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ बंद। सो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं हमारे किसी अगले टॉयज के वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपको हमें कुछ सजेशन देना है, कुछ कमेंट अगर आपको करना है कि किस तरह के आपको टॉयज के वीडियो चाहिए, या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं कि आप हम हमारे वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे किसी अगले टॉयज के वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।